क्या आप जानते हो कि अभी हाल ही में पहली बार इंसान के मरने से पहले उसके दिमाग की रिकॉर्डिंग करी गई, जिसमें कई सारे रहस्य पता चले। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें, पहली बार किसी मरते हुए इंसान के दिमाग की रिकॉर्डिंग करी गई, जिसमें अजीबोगरीब क्रियाओं को देखा गया। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप सपना देखते समय महसूस करते हो। मरते समय की जो हरकतें होती हैं, उन्हें मौत से पहले जीवन देखने के बराबर रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि इंसान मरने से पहले ठीक कुछ सेकंड पहले अपने जीवन के सारे अच्छे पलों को याद करता है। सभी अच्छे पलों को इकट्ठा करके उसे याद करने की, महसूस करने की कोशिश करता है। एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तार्तु में डॉक्टर रॉल विसेंट ने 87 साल के एक बुजुर्ग पर यह रिसर्च करा था। वो बुजुर्ग मिर्गी से पीड़ित था। डॉक्टर रॉल ने इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम यानी कि ईईजी मशीन की मदद से बुजुर्ग के दिमाग में हो रही एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करी थी। बुजुर्ग को मिर्गी की वजह से दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत होने से पहले के 900 सेकंड की रिकॉर्डिंग करी गई थी, यानी कि करीब 15 मिनट की रिकॉर्डिंग करी गई थी, जिसमें से सिर्फ आखिरी के 30 सेकंड पर ही डिटेल में रिसर्च करा गया, जिसमें यह पता चला कि इंसान मरने से कुछ सेकंड पहले अपनी लाइफ रिकॉल करता है, यानी कि अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करता है। अपने सभी अच्छे पलों को एक साथ जमा करके उसे देखने और महसूस करने की कोशिश करता है। और उस समय दिमाग में बहुत सी ऐसी तरंगों को भी देखा गया जो तरंगे इंसान के सपना देखने के समय निकलती हैं, यानी कि उस समय की फीलिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि सपना देखने के समय होती है। और उस समय यानी कि मरने के कुछ सेकंड पहले जब इंसान लाइफ रिकॉल कर रहा होता है, तो उसके दिमाग की तरंगे बहुत तेजी से चल रही होती हैं, यानी कि बिल्कुल अपने चरम सीमा पर। फिर धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सबके साथ शेयर करना।